मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में खेल के स्तर को बढ़ाने का बीड़ा उठाया है ताकि प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को निराश ना होना पड़े, साथ ही प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर जा सके। इसी कड़ी में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेल प्राधिकरण के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार करने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। खेल विकास प्राधिकरण के गठन के बाद प्रदेश में खेलों के विकास के लिए नीतिगत निर्णय लिया जा सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न खेलों के लिए खेल अकादमी प्रारंभ करने का भी सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के उद्योगों से अनुबंध कर CSR मद का उपयोग किया जाएगा और अकादमी के माध्यम से खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ आवास एवं भोजन की व्यवस्था, मैदानों का रखरखाव, प्रशिक्षण के उपकरण, प्रतियोगिताओं का आयोजन, छात्रावास आदि की सुविधाएं भी मिल सकेगी। बैठक में खेल विभाग द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देकर मुख्यमंत्री को सभी तथ्यों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तैराकी, तीरंदाजी, मैराथन जैसी लंबी तेज चाल जैसे अनेक खेलों में नैसर्गिक रूप से प्रतिभा मौजूद है। ऐसी खेल प्रतिभाओं की अगर अच्छे कोच, खेल अधोसंरचनाएं और अकादमी के माध्यम से आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा दी जाए तो खिलाड़ी देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के खेल अधोसंरचनाओं के अधिकतम उपयोग करने पर जोर दिया है। बैठक में राज्य में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने, ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने और खेल अधोसंरचनाओं के उपयोग के लिए योजना तैयार करने को कहा गया है, जिसके लिए खेल विभाग अपने अधिकारियों को ओडिशा के साथ साथ अन्य राज्यों के मॉडल के अध्ययन के लिए भी भेजेगा। भ्रमण से प्रशिक्षित होकर लौटने के बाद श्रेष्ठ मॉडलों को छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।